पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना को एक बार फिर से जाने। योजना किस बारे में है, किन कैंडिडेट्स का, लाभार्थियों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है और हर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या मुनाफा मिलता है, इस पूरी डिटेल में हम इस सेशन में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पीएमजी दिशा योजना 2017 में हमने सीएससी के माध्यम से देश भर में चलाई। सीएससी के वीएलईस जो यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त कॉमन सर्विस सेंटर देश के कोने कोने में चला रहे हैं, वो पीएमजी दिशा में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सिर्फ उन उन एरियाज में है जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ग्राम पंचायत के अधीन है। शहरी वीएलईस इसमें अपने स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते कि हर प्रत्येक घर से केवल एक लाभार्थी इस योजना में रजिस्टर किया जा सकता है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वप्न है कि देश के 40% 40% यानी 6 करोड़ लोग डिजिटल लिटरेट हो और इस योजना के तहत मोबाइल फोन चलाना, कंप्यूटर से संदेश भेजना या प्राप्त करना और साथ ही कैशलेस ट्रांजेक्शंस को अपने मोबाइल के या डिजिटल डिवाइसों के तहत कर सके। इस योजना का उद्देश्य यही है कि देश के नागरिकों को जो डिजिटल डिवाइड हमारे भारत और इंडिया में देखा जा रहा है उसे कम से कम करें और देश के नागरिक ज्यादा से ज्यादा डिजिटली रूप से एक दूसरे से जुड़े। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन की। ट्रेनिंग सेंटर एक वो केंद्र है जहां से पीएमजी दिशा की ट्रेनिंग लाभार्थियों को दी जाएगी। इस योजना में सिर्फ जिनके पास सीएससी आईडी है वो ही इस योजना के तहत काम कर सकते हैं। आपका जो शर्तें हम यहाँ पे लगाते हैं वो ये होनी चाहिए कि आप एक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत वीएलई हो, आपके पास एक एक्टिव सीएससी आईडी होनी चाहिए, आपका केंद्र मिनिमम 200 स्क्वायर फुट एरिया आपके सेंटर में होना चाहिए, न्यूनतम दो कंप्यूटर की सीमा यहाँ रखी गई है, साथ ही आपके केंद्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप सबके पास ये सुविधाएं हैं और आप वीएलई हैं और ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो आप पीएमजी दिशा के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आप अपने आप को एज अ वीएलई हमारे पोर्टल पे पीएमजी दिशा पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप सभी डिजी सेवा पोर्टल पे काम कर रहे हैं, वहां पे एक पीएमजी दिशा कि एक टैब वहां पे है जहां से क्लिक करके आप अपने आप को पीएमजी दिशा पोर्टल में भी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप पीएमजी दिशा टैब पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पोर्टल पे ले जाया जाएगा जहां पे कुछ जानकारी आपकी पहले से ही दर्ज रहेगी और कुछ जानकारी और दस्तावेज आपको नए अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में हम आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जिसमें एक ग्राम पंचायत दस्तावेज होता है जहां पे आप उन किन बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी एक सूची बना के गांव के मुखिया या प्रधान से हस्ताक्षर करवाते हैं और उसे पोर्टल पे अपलोड किया करते हैं। इसके साथ ही एक एफिडेविट की हमारी डिमांड होती है। इस एफिडेविट में ये लिखा जाता है कि आप एक वीएलई के रूप में कार्यरत हैं और पीएमजी दिशा पे भली भांति उनकी शर्तें जान चुके हैं और इस पे सही तरीके से काम करेंगे। यह आपका हस्ताक्षर किया हुआ डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही हम तीसरा डॉक्यूमेंट आपसे आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं जिसमें आप आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपका नाम, फोटो और एड्रेस यानी पता साफ साफ अक्षर में लिखा गया हो। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन करने के इन शर्तों को पूरा करने के बाद आपका सेंटर का वेरिफिकेशन किया जाता है। आपके सेंटर के वेरिफिकेशन के लिए हमारी राज्य की डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर पे फिजिकली आपके भौतिक रूप से आपके यहाँ पहुंचती है और जांच करती है कि आपका सेंटर दिए गए स्थान पर मौजूद है या नहीं। आपके सेंटर के कंप्यूटर्स की जांच की जाती है कि उनमें इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की गई है कि नहीं, आपका सेंटर रूरल ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि नहीं और जो सभी शर्तें पीएमजी दिशा में दी गई है उन सभी में आपका सेंटर खरा उतरता है कि नहीं। अगर आप इन सभी पैरामीटर्स पे ठीक पाए जाते हैं तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर को अप्रूव कर देती है, पीएमजी दिशा में काम करने के लिए आपको अनुमति मिल जाती है। कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही रजिस्टर हो पाए, ये पीएमजी दिशा की मुख्य गाइडलाइन है। मुख्य शर्त यही कहती है कि आपको हर परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनमें से किसी एक परिवार का चयन कर, परिवार में से किसी एक व्यक्ति का चयन करना है और पीएमजी दिशा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी बात आती है कि आपका उसे कंप्यूटर चलाना
मोबाइल फोन का उपयोग करना, ईमेल भेजना आदि जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 14 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही इस योजना के लिए लाभार्थी हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। इससे कम उम्र के या ज्यादा वर्ष के व्यक्तियों को पीएमजे दिशा में रजिस्ट्रेशन करना मना है। कंप्यूटर के तहत रजिस्ट्रेशन करना, अगर कोई व्यक्ति आपके सेंटर पे आता है और आप उन्हें पीएमजे दिशा में रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप उनसे बायोमेट्रिक अंगूठा या आयरिस आंख दिखा के उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आधार पोर्टल पे उनकी कुछ जानकारी दी जाती है जो हमारे पोर्टल पे स्वतः अपने आप आ जाती है। इसके बाद कुछ जानकारी आपसे कैंडिडेट की रजिस्टर लाभार्थी की और मांगी जाएगी, उसे आपको सही अक्षरों में दर्ज करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई अक्षर की गलती, कोई मात्रा की गलती इस वक्त ना, कैंडिडेट आपके सेंटर पे नहीं आ सकता। आपको घूम घूम कर, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कैंडिडेट के निवास में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसी स्थिति में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमारे www.pmjdisha.in पर एक एप्लीकेशन दी गई है जिसे आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल के तहत बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड पर जो नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि लिखी होती है, उसी को आपको अपने पोर्टल पे जहाँ जानकारी मांगी गई है वहां डालना है। ध्यान रखें कि आप माता पिता का नाम बिल्कुल साफ अक्षरों में बिना किसी गलती के दर्ज कराएं। ये माना जा रहा है कि 10 दिन से, कम से कम 10 दिन से और अधिकतम 30 दिन के भीतर आपको लाभार्थी की ट्रेनिंग खत्म करनी है। कैंडिडेट के पास, लाभार्थी के पास 20 घंटे हैं। वो आपके सेंटर पर आकर एक कंप्यूटर के दौरान आप उसे ग्रुप में, चाहे समूह में स्टडी करवा सकते हैं, या उसे इंडिविजुअली कंप्यूटर में बैठा के हमने जो मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं उन्हें दिखा सकते हैं। ये सभी जानकारी जो आज के समय में बहुत बहुत अनिवार्य है, वो सभी पांच विभिन्न पांच मॉड्यूल्स में लाभार्थी को सिखाई समझाई जाती है। परीक्षा से पहले हम आपको बता दें कि हर केंद्र में जिस तरीके से एक VLE अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी तरीके से परीक्षा के दौरान हम एक इन्विजिलेटर की डिमांड करते हैं। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति है जो परीक्षा के दौरान उस समय, उस दिन सेंटर पे मौजूद रहेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी मौजूदगी में एग्जाम हो रहा है बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी गलत काम के। वो वहां पे इन्विजिलेटर फिजिकली मौजूद है सेंटर पे और वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि परीक्षा ठीक से हो रही है। इन्विजिलेटर वो कोई भी पढ़ा लिखा डिजिटल साक्षर व्यक्ति हो सकता है जो सरकारी नौकरी पर हो, पोस्ट ऑफिस में काम करता हो, आपके ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का हिस्सा हो, या सरकारी नौकरी पे लगा हुआ हो। आप इनमें से किसी भी व्यक्ति या महिला को इन्विजिलेटर बना, एक इन्विजिलेटर का आधार दो सेंटर पे नहीं दिया जा सकता। जब वो एक सेंटर से उसकी डिटेल्स की, इसकी जानकारी को हटाया नहीं जा सकता, तब तक वो किसी दूसरे केंद्र में इन्विजिलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कैंडिडेट के वेरिफिकेशन की। हम ये जांच करना चाहते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को, जिन लाभार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो सच में डिजिटल ट्रांजेक्शंस के बारे में सीख रहे हैं, इंटरनेट की उपलब्धता और उसके कार्यों के बारे में जान रहे हैं या नहीं। एक छोटा सा टेस्ट हमने यहाँ पे आपके लिए, यानी सेंटर ऑपरेटर्स के लिए भी लगाया हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल, हम ये जांच करना चाहते हैं कि जो मेल आईडी आपने हमें दी गई है वो कैंडिडेट इस्तेमाल करता है कि नहीं। इसके लिए गो अहेड @pmjdishamail.in पर लाभार्थी की मेल आईडी से एक मेल हमें भेजनी होती है। ये मेल हमारे पास मिल जाए इसके बाद ही आपका लाभार्थी परीक्षा के लिए मान्य माना जाता है। दूसरा प्रोसेस हमारे हमारा हम यहाँ पे आपके लिए रखते हैं वर्चुअल पेमेंट का। एक नकली, एक डमी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हमने बनाया है जिसमें कैंडिडेट, लाभार्थी 3 बार 1-1 रुपए की ट्रांजेक्शन करता है वर्चुअल रूप से। हम उन्हें जानना चाहते हैं क्या उसे यूपीआई और कैशलेस ट्रांजेक्शन जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है, क्या वो सहजता से बिना किसी की मदद के कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकता है या नहीं। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही एक कैंडिडेट को परीक्षा के लिए मान्य माना जाता है। बायो ऑथ करते हैं, इसका मतलब है कि कैंडिडेट अपने आप को ऑथराइज कर रहा है कि जिसकी जानकारी आधार में या पोर्टल पे दी गई है वही इस वक्त एग्जाम देने आया है।
इसके बाद आपके सेंटर का इन्विजिलेटर अपने आप को बायोऑथ करके यह सबूत साबित करता है कि परीक्षा के हॉल में वो भी मौजूद है और वो सुनिश्चित करेगा कि एग्जाम बिना किसी चीटिंग के या गलत काम के ठीक से हो सके। कैंडिडेट की आईडी यानी पहचान पत्र मांगा जाता है एग्जाम एजेंसी से। एक फोटो आपको अपने वेब कैमरा में कैंडिडेट की फोटो खिंचवानी होती है और साथ ही जो आधार या पहचान पत्र जिसमें कैंडिडेट की फोटो लगी हो वो कैंडिडेट आप कैमरा में देख के फोटो क्लिक करवाते हैं। अगर कैंडिडेट की तस्वीर इस वक्त मौजूद लाभार्थी के साथ मैच हो जाती है, नाम और डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम जो जिस वक्त जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त दी गई है, अगर वही जानकारी इस वक्त परीक्षा के दौरान जमा कराए गए और आईडी प्रूफ मौजूद होती है तो कैंडिडेट को परीक्षा के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। जानकारी वही पहचान पत्र दिखाएं जिसमें आपकी तस्वीर हाल की हो और नाम और आपके माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही दर्ज हो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया गया था। ऑथराइजर आपकी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको एग्जाम के लिए आगे बिठाता है। परीक्षा में 25 सवाल आते हैं। इन 25 सवालों में से अगर आप 8 का ठीक जवाब देते हैं तो परीक्षा में आप पास माने जाते हैं। 25 सवाल आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना होता है और अंत में या परीक्षा के दौरान आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसे आपको सिस्टम पे टाइप करके दिखाना है कि आपको टाइपिंग आती है, आप कीबोर्ड के अक्षरों से उनको पहचानते हैं और उन्हें टाइप करना जानते हैं। कि हर माह के समाप्ति पे सर्टिफाइड बच्चों का ₹300 हर वीएलई सेंटर ऑपरेटर को दिया जाता है यानी प्रत्येक सफल सर्टिफाइड कैंडिडेट पे, सफल लाभार्थी पे वीएलई को ₹300 की राशि प्रदान की जाती है जो सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाती है। अब बात करते हैं जिसका जिस मेन उद्देश्य से हमने सेंटर जो सेशन रखा है कि परीक्षा के दौरान क्या करें और किन बातों का खास ध्यान रखें कि जो आपके सेंटर पे ना हो जिससे आपका कैंडिडेट ब्लॉक होने से बच सके और आप भी सही और सफल परीक्षा करा सके। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि आपको सही वेबसाइट यानी www.pmgdisha.in को ही विजिट करना है। इसके अलावा पीएमजी दिशा की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, www.pmgdisha.in ही एकमात्र हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको वीएलई का डैशबोर्ड, कैंडिडेट का डैशबोर्ड मिलता है। कि अगर आपका इन्विजिलेटर कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया है तो इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर ही जिम्मेदार होगा। आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि आपके द्वारा चयनित इन्विजिलेटर ने गलत काम किया है। बच्चों के जब आधार कार्ड बनाए गए थे तब उनकी शक्ल और सूरत काफी विभिन्न थी अभी की शक्ल सूरत से। आपको ये ध्यान रखें कि वो तस्वीर उनके या तो अपडेट करवा दी जाए या उनका आधार ठीक से अपडेट हो, उनकी जानकारी अपडेटेड हो, तभी उनका पीएमजी दिशा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाए और तभी उनका एग्जाम करवाए। एग्जाम के दौरान एग्जाम वाले दिन कैंडिडेट का अपने पास आईडी प्रूफ रखना बहुत अनिवार्य है। तो लिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन से कैंडिडेट की दूरी कम से कम 1.5 मीटर हो ताकि हम देख सके कि कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है और वही कैंडिडेट एग्जाम परीक्षा में आया है कि नहीं। और कैंडिडेट जो भी अगर परीक्षा रोक दी गई है, कभी कभार हमारे प्रॉक्टर ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैंडिडेट ठीक से एग्जाम दे रहा है कि नहीं, उसे कोई परेशानी तो नहीं। तो अगर आपको जो निर्देश प्रॉक्टर दे रहा है कि दाएं देखिए, बाएं देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन घुमाए, तो इन सभी निर्देशों का पालन करें। और परीक्षा में कभी भी किसी भी परीक्षा के दौरान किसी भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रॉक्टर ऑथराइजर्स के लिए वो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं और जो भी वो निर्देश दे रहे हैं उनको आप ठीक से पालन करें। एग्जाम के दौरान क्या नहीं करें, ये एक खास निर्देश हम अपने उन वीएलईज को देना चाहते हैं जिनके सेंटर्स इस वजह से बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके सेंटर पे चीटिंग, मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। ये देखा जाता है कि कैंडिडेट को बिठा के कोई एग्जामिनेशन गलत तरीके से किया जाता है और इसमें सेंटर ऑपरेटर भी उतनी तरह लिप्त है जितनी तरीके से इन्विजिलेटर और बाकी लोग। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके सेंटर में होने वाली कोई भी गलत काम के लिए सेंटर वीएलई जिम्मेदार माना जाएगा, आपके नाम पे कंप्लेन की जाएगी और हो भी सकता है कि आपके नाम पे आपकी सीएससी आईडी को बंद भी किया जाए।
तो क्या कार्य ना करें जिस वजह से आपकी पीएमजे दिशा आईडी चलती रहे, समय समय पे आपको पीएमजे दिशा का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में मिलते रहे, इसके लिए क्या ना करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान वेबकैम के अलावा, वेबकैम कीबोर्ड और डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस के अलावा कोई अन्य डिवाइस, कोई पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम से लगी ना हो। आपको इस बात की सुनिश्चित करना है कैंडिडेट के पास कोई भी टेक्स्ट मटेरियल, प्रिंट किया हुआ कोई भी मटेरियल जिसमें आंसर्स हो, आप किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश ना करें। रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ना हो जो इस वक्त कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान मदद कर सकता है या फिर गलत तरीके से आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी वेबसाइट, एक परीक्षा की वेबसाइट के अलावा कोई और वेबसाइट आपके सिस्टम पे ना खुली हो। अगर ये सब कार्य में आप लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी पीएमजी दिशा आईडी बंद करा दी जाएगी। एक और चीज आपको यहाँ पे खास ध्यान रखनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ के ना चले जाए। ऐसे कैंडिडेट्स को हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और उसे ऑटोमेटिकली फेल कर लेता है। और खास बात यहाँ पे, अगर आपका सेंटर इम्पर्सिनेशन यानी सेंटर के एग्जाम के दौरान चीटिंग करते वक्त लिप्त पाया जाता है तो हम आपकी आईडी को उसी वक्त ही ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं। आपको परीक्षा के दौरान कैंडिडेट से फोन पे बात नहीं करनी है, किसी भी तरह का संपर्क उससे नहीं करना है, ना इन्विजिलेटर को ना ट्रेनिंग सेंटर को। हम बहुत आभारी है उन सभी वीएलईस का जिन्होंने इस योजना को इतना सफल बनाया, लेकिन हम कुछ शिकायतें हैं उन वीएलई से भी जो इस योजना में गलत काम करके उन वीएलई की मेहनत को खराब कर रहे हैं जो साफ मन से पीएमजे दिशा कर रहे हैं। तो हम ऐसे वीएलई को निरंतर सिस्टम से निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं और ये भी कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे वीएलई को सिस्टम पे ना आ पाए जो किसी भी तरीके का गलत योजना के साथ, गलत संदेश के साथ इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। एक खास बात हम उन वीएलईस को बता दें कि अब से पीएमजी दिशा वेरिफिकेशन में कुछ हमने बदलाव किए हैं। आपकी सीएससी आईडी 3 महीने तक एक्टिव होनी चाहिए, यानी 3 महीने, पिछले 3 महीनों में उसमें किसी ना किसी तरह का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सीएससी में काफी सर्विसेज हैं, उन किसी भी सर्विसेज में आप 3 महीने में 50 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने होनी चाहिए। आपकी इन्हीं ट्रांजेक्शन को देख के आपको पीएमजी दिशा में अप्रूव किया जाएगा। तो जो वीएलई पीएमजी दिशा में काम करना चाहते हैं लेकिन शिकायत करते हैं क्योंकि पीएमजी दिशा आईडी अप्रूव नहीं हो रही, तो आप एक खास बात ध्यान रखिए कि आपकी सीएससी आईडी ट्रांजेक्टेड होनी चाहिए, लगातार एक्टिव होनी चाहिए पोर्टल पे, और एक आप एक कार्यरत वीएलई हो। अगर आपकी सीएससी आईडी एक्टिव होगी तभी आपकी पीएमजी दिशा आईडी को एक्टिवेट यानी मान्य करार दिया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हम पीएमजी दिशा को एक सफल योजना, एक सफल प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप सबसे यही इजाजत लेते हैं। नमस्कार।